नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 डेज डेली। देखिए, इस समय हम कलेक्ट्रेट परिसर में गोरखपुर में हैं और यहाँ चुनावी सरगर्मियाँ काफ़ी बढ़ी हुई हैं। तो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी कृष्ण दामोदर पाठक जी हमारे साथ हैं, उनसे कुछ बात करेंगे। इस चुनाव में क्या योजना लाएंगे और किन मुद्दों पर यह चुनाव लड़ेंगे, अपनी योजनाओं के बारे में बताएँगे। तो आइए उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल 7 डेज डेली में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप यहाँ अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? जी हाँ सर। तो क्या क्या योजना है और किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? सबसे पहली योजना यही है कि जिला अधिवक्ता एसोसिएशन में काम करने वाले समस्त अधिवक्ताओं के हितों की सुरक्षा संरक्षा, न्यायपालिका के प्रति विश्वास जी, और उनके बैठने की सुविधा का बहाल करना। कलेक्ट्रेट परिसर में जो सफाई का कार्यक्रम रही, आप देख रहे हैं गंदगी है जी, उसे पूर्णतया स्वच्छ रखना, ये सबसे पहली प्राथमिकता मेरी है। देखिए, इसके पहले मैं मंत्री रहा जी। अपने कार्यकाल में ये जो दो सामने वाली 2 मंजिला बिल्डिंग देख रहे हैं आप जी, यह मेरे द्वारा पैसा ला करके उत्तर प्रदेश सरकार से बनवाया गया था जी। और आज भी इसकी स्थिति आप देख सकते हैं उसी तरह से है जी। 3रा मंजिल बनने के लिए ऊपर क्षण और तक निकला हुआ, देख लीजिए कैसे कैसे क्या लगा हुआ है जी। जिस पर आप 5-7 मंजिल बनवा देंगे, टस से मस नहीं होने वाला है। मतलब कहने का मतलब यह है कि गुणवत्ता पर कार्य हुआ है इसमें। गुणवत्ता पूर्वक कार्य मैंने किया है और गुणवत्ता पूर्वक कार्य करूंगा। महामंत्री कार्यकाल में मेरा एक ऐसा कार्यकाल था जिसमें अधिवक्ता समूह के चाय पानी खर्च का कोई बजट नहीं था, जिसको मैंने सारा अपनी जेब से बहन कर दिया था। उस समय आप महामंत्री थे? हम महामंत्री थे और लगभग 3 गुना 1 साल के अंतर्गत मैंने जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के निधि को 3 गुना बढ़ाया था जी। और आज की जो कार्य समिति है, इसने 3 गुना बढ़ाया है 3 साल में, जबकि हमारे कार्यकाल में वकालतनामे पर मात्र 10 रुपये मिलते थे जी। आज हमारे वहाँ वकालतनामे पर एसोसिएशन को 50 रुपये मिलते हैं जी। तब भी इन्होंने 3 साल में 3 गुना बढ़ाया और मैंने 1 साल में 3 गुना बढ़ाया था, 13 माह में 3 गुना बढ़ाया था। तो आम जन जो यहाँ पे बहुत दूर दूर से आते हैं, यहाँ गर्मी में काफ़ी पानी पीने के लिए उनको परेशानी होता होगा, शौचालय के लिए, साफ सफाई के लिए, इसके लिए आप क्या करने वाले हैं? यह सही बात है कि जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के प्रांगण में जो कलेक्ट्रेट परिसर के जो शौचालय थे, मूत्रालय थे जी, उसे तोड़ दिया गया। जब ये बिल्डिंगें टूटी तो तोड़ दिया गया जी। इस समय वर्तमान समय में आम जनमानस के लिए यह असुविधा है जी। केवल 2 तरफ जो है सुलभ शौचालय हैं, 2 वही किसी तरह से लोगों का कार्य संभाल रहे हैं जी। हमारे जिला अधिवक्ता एसोसिएशन में शौचालय मूत्रालय बना है, लेकिन वह अधिवक्ताओं के लिए या अधिवक्ता लिपिकों के लिए ही है, इसलिए आम जनमानस के लिए परेशानी है जी। उसे मैं तुरंत पूरा करूंगा। महिला शौचालय तो है ही नहीं, उसे तुरंत ही मैं पहली मीटिंग में, यदि अध्यक्ष चुन गया तो पहली मीटिंग में ही बनवाऊंगा। अधिवक्ता एक्ट के बारे में बात हो रही है, उसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? देखिए, हमारा अधिवक्ता एसोसिएशन जो पूर्व के कार्यकाल थे और मेरे द्वारा भी उसे लागू कराने का प्रयास किया जाएगा। पूरे पिछली कार्य समिति ने 2 दिन का हर महीने में 1st और 3rd शनिवार हड़ताल बोला है, वो चलता रहेगा। मेरा यदि कार्यकाल आया तो मेरा अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से संबंध अच्छे हैं, उनको लेकर के उनसे मिलूंगा, उस पर उनसे वार्ता कराऊंगा, उसे कहूंगा कि आप मंत्रिपरिषद में रख करके उसको देखें, फिर मंत्रिमंडल से पास करा करके उसे लागू कराएं। आवश्यकता पड़ने पर उसके लिए मैं पत्राचार केंद्र सरकार से भी करूंगा और लागू कराने का 100% प्रयास करूंगा, और ईश्वर चाहेंगे तो लागू करा दूंगा। आप चुनाव में यहाँ पर जो सभी लोगों से मिल रहे हैं, क्या समर्थन मिल रहा है अधिवक्ता लोगों को? आप मेरे साथ अधिवक्ता समुदाय का समझिए कि 80 से 85% मेरे साथ हैं।
बकिया 15% मत में हमारे 5 अन्य प्रत्याशी हैं। हाँ, किसी भी अन्य प्रत्याशी को 15, 20, 25 जिसको अधिकतम मिलने की संभावना है उसकी भी 60 वोट से ज़्यादा मिलने की संभावना नहीं है, यही है। तो ये आपका इसमें जो पहले का कार्यकाल है उस हिसाब से सभी पहले का कार्यकाल मेरे परिश्रम को इस चुनाव को जो 2 वर्ष 8 महीने बाद हो रहा है जिसे 13 महीने में हो जाना चाहिए था मैंने लड़ाई लड़ी। बार काउंसिल से लड़ाई लड़ी, बार काउंसिल का पत्र आया, बार काउंसिल के को प्रेसिडेंट आए जांच करने के लिए। हमारी इस कार्य समिति ने उनके लिए कोई स्वागत का व्यवस्था नहीं किया, जिस पर वो नाराज हो गए और उन्होंने वर्तमान अध्यक्ष और मंत्री को अपनी तरफ से नोटिस निर्गत किया है कि आप जो राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त अध्यक्ष होता है बार काउंसिल का उसके लिए आपने प्रोटोकॉल को मेंटेन नहीं किया और 8 तारीख को जनपद देवरिया में उसकी तिथि लगी हुई है। देखिए हमारी एल्डर्स कमेटी जो है वही एल्डर्स सब प्रदेश में सबसे बड़ी राज्य विधिज्ञ परिषद और उसके चेयरमैन या उसके कोऑप्टेड पर्सन जो उस के मेंबर हैं प्रेसिडेंट हैं वो कौन सा एक्शन लेते हैं यह उनके ऊपर है। वैसे मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वकील सारे मेरे भाई हैं सबकी सुरक्षा संरक्षा बरकरार रखें। तो 7 डेज डेली की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सर अध्यक्ष पद के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। यही मेरा निवेदन है कि आप समस्त लोगों से जी जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के समस्त सदस्यों से निवेदन करें कि मेरे पक्ष में मतदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कृष्ण दामोदर पाठक जी हमारे साथ अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, कलेक्ट्रेट परिसर में हम मौजूद हैं। तो अभी आपने देखा इन्होंने किन किन योजनाओं के बारे में बताया और क्या क्या अधिवक्ता के कल्याण के लिए करने वाले हैं। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।